हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम नेपाल और मुझे फ्री फायर यूट्यूबर को कुछ बात बोलनी है। ये फ्री फायर में यूट्यूबर लोगों का जो झगड़ा चल रहा है ना, फ्री फायर यूट्यूबर लोगों का, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और मैं एज अ यूट्यूबर नहीं, मैं एज अ ऑडियंस बोल रहा हूँ। मुझे ये बोलना है कि आप लोग अपने झगड़े बंद कर दो और फिर से चैनल को और आगे ले जाने में जुड़ जाओ, क्योंकि भाई लोग, आप लोग जो झगड़ा उगड़ा कर रहे हो ना, खुद में लड़ रहे हो ना, इससे आप लोगों को तो कुछ नहीं हो रही है, पर हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम जब भी YouTube ओपन कर रहे हैं ना, तो हमको ये सब दिखाई दे रही है। तो बोलो भाई, अगर हमने एक यूट्यूबर को यूट्यूबर का चैनल को सब्सक्राइब किया होता ना, तो हमें कुछ नहीं होता, हम देख लेते वीडियो। पर हमने हज़ारों यूट्यूबर की चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सारे यूट्यूबर यही डाल रही है कि ये करो वो करो, कमेंट करो, कमेंट में कौन अच्छा लगा, क्या आप किसके साथ हो, आप किसका सपोर्टर हो, ये वगैरह। तो आई होप आप लोग अपना ये झगड़ा जल्द से जल्द ख़त्म कर लोगे। और मुझे ये जो झगड़े पे शामिल नहीं है ना यूट्यूबर्स, उन यूट्यूबर्स को भी कुछ बोलना है। में से किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाया कि भाई ज्ञान भाई आप झगड़ा बंद कर दो, आईजीएल भाई आप झगड़ा बंद कर दो, टीएसजी भाई आप भी बंद कर दो, किसी ने भी नहीं बोला। सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो पोस्ट किया और ये बोला कि आप किसके सपोर्ट में है, कमेंट में आके बोल देना आप किसको चाहते हैं, आपको कौन सही लगा। अरे भाई, आपका काम ये नहीं है भाई। जब आपकी दोस्त मुसीबत में होता है ना, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं कि झगड़ा को और बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भाई हम जो फैंस होते हैं ना, कोई कोई फैंस इतना ट्यू होता है कि भाई उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसके चैनल पे जाके, लाइव पे जाके कुछ भी बोल देता है, तो इससे क्या होती है, झगड़ा और भी बढ़ती है। तो भाई लोग ऐसा मत करो यार, प्लीज़ भाई आप लोग भी कुछ वीडियोज़ बनाओ और उस वीडियोज़ में आप बोलो कि झगड़ा बंद कर दे। और मुझे होप है कि आप सब लोग ये झगड़ा बंद कर दोगे जल्द से ही और फिर से अपनी अपनी जगह पे आकर वीडियोस डालोगे, बनाओगे और हम लोग भी इंजॉय करेंगे, लाइव में आएंगे। तो गाइस, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप इंडियन रिलीजन्स यूट्यूबर्स कि आप लोग अपना अपना झगड़ा जल्द से जल्द बंद करोगे। तो मुझे इतना ही बोलना था एज अ ऑडियंस, और आप लोग अपनी ऑडियंस की कदर करते होंगे। आप इतना भी ना समझ नहीं है कि आपको आगे क्या करना चाहिए ये पता ना हो, क्योंकि आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और आप लोग खुद में झगड़ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको ही डिसाइड करना है। और हमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। आई होप आगे फ्री फायर गरीना फ्री फायर में जो हो रहा था